Good afternoon, guys. So most of students are here. So we'll start with our lecture. This is very first lecture on computer graphics and animation. आपने कुछ बेसिक ग्राफिक्स या कुछ पहले पढ़ा ही रहेगा. आई मीन वी ऑल नो ग्राफिक्स मीन्स क्या होता है. लाइक हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब से आपको विंडोज का आइकन दिखता है, शट डाउन, फुल है, फाइल्स के आइकन दिखते हैं. एवरीथिंग इज कंप्यूटर ग्राफिक्स ओनली. हमें एस वाई में ये जो सब्जेक्ट है इसमें वी हैव लिमिटेड थिंग्स जहाँ पे विल बी बेसिक लर्निंग अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होगा, कैसे यूजफुल होगा. एंड सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिकल्स जो हम लोग के सी और सी प्लस प्लस में होंगे. सो वी हैव द सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, बट नो वेयर वी आर गोइंग टू लर्न एनी सच सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन सिखाता है. एनिमेशन अगर आपको सीखना है तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा. आई टेल यू विच सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड. इन आर सब्जेक्ट वी जस्ट हैव अ थियोरेटिकल मीन बाय एनिमेशन. जो भी हम लोगों को सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर मतलब जो प्रैक्टिकल्स जो होंगे हम लोगों के वो सी सी दिस इज आर मैथ्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स एनिमेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिट 1 एंड 2 बाकी के दूसरे अलग से मैं शेयर कर दूंगा. हु इज द सी आर फॉर दिस क्लास? है सी आर, है सी आर विशाल. ओके यू आर द सी आर. ओके ओके दो सी आर है ना, ठीक है. आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना. ओके 3 CRs आ गए. दिस इज माई नंबर, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप देन स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे हम लोग बेसिकली जो नोट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में बाकी लोगों के साथ शेयर कर लेना. सो इन फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स एज यू कैन सी ओवरव्यू और बेसिक चीजें दिए हुए हैं. मैंने सेम पैटर्न में ये जो नोट्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए. जहाँ पे यूनिट 1 में वी हैव फ्यू टॉपिक्स देन कुछ एल्गोरिदम है. यूनिट 1 में हाफ ऑफ पार्ट इज थियोरेटिकल देन है वो प्रैक्टिकल पार्ट है जहाँ पे हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम्स देखेंगे और वो सेम एल्गोरिदम्स को हम लोग सी सी प्लस प्लस यूज करके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे. सो आइदर सम प्रैक्टिकल विल बी इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग सी और सी प्लस प्लस, वो आपका बेसिक पॉइंट रहेगा. यूनिट 2 एंड 3 आपका 2D एंड 3D के ऊपर है. 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल की चीजें क्या रहता है, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है. बट हम लोग जितना हो सके हम लोग सिंपल वे में उसको समझने की ट्राई करेंगे. आप ये नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कंसेप्ट आगे के कैसे पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. यूनिट 1 में अगर आप देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. सबसे सिंपल अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स का अगर डेफिनेशन देना है सो यू कैन नोटिस फ्रॉम दिस डायग्राम दैट कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करने वाले हैं वो, और आर्ट्स. आर्ट्स मतलब कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा, कौन से कैरेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कौन से लेआउट आपका कैसा रहेगा. कोई एक वेबसाइट है तो उस पे GUI कैसे होना चाहिए, लॉग इन साइन अप कैसे होना चाहिए, ये हर एक चीज़ जो है वो ग्राफिक्स ही है. लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. लाइक गेम्स में अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टू इम्प्लीमेंट ग्राफिक्स ऑन गेम्स. वेबसाइट पे अगर आपको ग्राफिक्स इम्प्लीमेंट करना है सो वी यूज़ HTML CSS स्पेशली डिज़ाइंस, अच्छे डिज़ाइंस के लिए, बराबर है. देन आपको अगर वो सेम चीज़ अगर एनिमेशन या उससे अगर करना है सो वी हैव सम अदर थिंग्स एज वेल. सो आप यहाँ पे देखेंगे सो हम लोगों को क्या बोला है, वी हैव सम आर्टिस्टिक माइंड जो बताएंगे कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा वो है, दैट इज़ अ आर्ट. और उसके साथ में कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है विच इज अ कॉम्बिनेशन और एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्ट्स.
सो आई होप टेक्निकली वी कैन डिफाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट और वेयर आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस कम्बाइंस, दैट इज वॉट वी मीन बाई कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे हर एक जगह पे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं या ग्राफिक्स की ही जरूरत पड़ती है. अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 words, वही बेसिक पॉइंट्स दिए हुए. नाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स का डेफिनेशन क्या दिया? A picture and movie created using a computer is usually referred to an image data created by computer, specially with the help of specialized graphics hardware and software. 1960s से first time ये start हुआ था, उसके पहले कभी हम लोगों ने कोई graphics क्या होता है ये सुना नहीं था. और उस पर भी अगर आप देखेंगे कि Unix operating system was the very first one, वो सबसे पहले assembly language में बना था. उसके बाद सी प्रोग्राम आने के बाद में उन्होंने यूनिक्स को सी में कन्वर्ट किया. एंड उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स हम लोगों को उसके बाद में मिलता है. अगर ग्राफिक्स नहीं रहेगा थिंग्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट. आप देखो कि अगर मुझे कोई एक फोल्डर बनाना है, सो आई सपोज टू रिमेम्बर अ कमांड लाइक mkdir देन फोल्डर या डायरेक्टरी नेम. अगर फाइल ओपन करना है, क्रिएट करना है, सो उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा. ब्राउजर ओपन करना है, उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा. कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा. सो फॉर ईच एंड एवरी अदर थिंग वी सपोज टू रिमेंबर द कमांड्स. इट्स नॉट दैट ईजी. नो डाउट कमांड लाइन इंटरफेस आपका बहुत फास्ट वर्क करता है कंपेयर टू यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. लेकिन उसके लिए आपको हर एक चीज का कमांड याद रखना बहुत जरूरी रहता है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहता है. एंड हेंस हम लोग चीज़ों को ट्राई करते हैं, चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं फ्रॉम ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, आप अगर एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सो वो आपके लिए यूज करना इसके लिए सिंपल है बिकॉज वी हैव वी हैव दिस ग्राफिक्स प्रोवाइडेड टू अस विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप देखो कि अगर कभी कभी अगर कोई एक पर्सन है जिसको अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है और हम लोग अगर उसको एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में दिख रहा है, स्टिल ही विल बी एबल टू ऑपरेट दैट फोन बिकॉज वहाँ पे आइकन्स दिए हुए हैं और वो आइकन से मतलब समझ में आता है कि ये आइकन का मतलब क्या है, वो आइकन का मतलब क्या है. इफ़ यू वॉन्ट टू रिसीव अ कॉल, मुझे वहाँ पे अगर कॉल रिसीव या एंड ऐसा लिखा है उससे मतलब नहीं है. वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओके ग्रीन कलर का आइकन है, एक रेड कलर का आइकन है. सो उससे मुझे इजीली पता चलेगा कि कहाँ से फ्रॉम वेयर आई कैन रिसीव दिस कॉल. बेस्ट एग्जांपल, एक 3-4 साल का बच्चा या फिर हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स, वो अगर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं कोई चीज़ के साथ में, कोई चीज़ों के ऊपर, सो उसका मतलब है कि आपने उतना अच्छा उतना सिंपल ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है वहाँ पे. एंड दैट इज़ द रीज़न कि एवरीवन कैन इजीली वर्क आउट विद देम. सो बेनिफिट, सो यहाँ पे देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर मेड ऑन अ कंप्यूटर. सो अगर मैं यहाँ पे अगर शट डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउजर आइकन दिख रहा है, एवरी थिंग इज अ ग्राफिक्स. और उसमें अगर आप देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स आर वेरी यूजफुल. जनरेटेड इमेजनरी इज यूज फॉर मूवी मेकिंग. बहुत सारे वीडियो गेम्स के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग ये सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं. कोई एक कमर्शियल अगर कोई आर्ट अगर आपको बनाना है उसके लिए भी ये सेम ग्राफिक्स यूज होगा. नाउ मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. उसके आगे भी आया लेकिन हम लोग यहाँ पे ये सब्जेक्ट में इसके यही दो चीज़ सीखने वाले हैं, दैट इज टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल ग्राफिक्स. एंड मेनली जब अगर हम टू डायमेंशनल ग्राफिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखो दो टाइप में, दो कैटेगरीज में ये डिवाइड होते हैं टू डायमेंशनल ग्राफिक्स. एक को हम लोग बोलते हैं इन दिस टू डायमेंशनल ग्राफिक्स, वन इज कॉल्ड एज यू कैन सी, वन इज कॉल्ड एज पिक्सल आर्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज वेक्टर आर्ट. ओके ध्यान से देखो, नाउ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग 2D एंड 3D ग्राफिक्स. दोनों में सिमिलर टाइप के कोई ना कोई ग्राफिक्स यूज होंगे या इमेजेस यूज होंगे. सो मेनली आपका एक होगा पिक्सल आर्ट होगा, एक वेक्टर आर्ट होगा. पिक्सल आर्ट का मतलब आप जब वो इमेजेस को अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर जूम करते हैं ना, वो ऐसे पिक्सलेट हो जाते हैं, फट जाते हैं.
और वो इमेजेस जब बनते भी है ना, तो ऐसे पूरे पिक्सल्स ही कनेक्ट होके बनते हैं, ऐसा स्मूथ लाइन नहीं दिखता आपको। और वेक्टर आर्ट जो रहता है वो एक ऐसे आर्ट होता है जिसको आप जूम भी करेंगे तो वो फटेंगे नहीं, स्मूथ ही रहेंगे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। सो एज यू कैन सी, पिक्सल आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट एंड इज क्रिएटेड यूजिंग वन सिंगल बॉक्स और पिक्सल्स एंड एक्सपांडिंग द पिक्सल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कनेक्ट करते जा रहे हैं, कंप्लीट पिक्सल्स, और उससे आपका एक ऐसा कुछ एरो बन जाएगा। वेक्टर में क्या बोला है, दिस इज अपोजिट टू पिक्सल आर्ट, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे ऑफ पिक्सल्स यूज फॉर फोटोग्राफिक इमेज। सो यहाँ पे हम लोग सेम कुछ पैटर्न यूज करते हैं। अब फोटोग्राफिक इमेज के लिए भी ऐसा ही कुछ हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये इमेज को अगर मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो ये पिक्सलेट हो रहा है, ब्लर हो रहा है, ये इमेज उतना ब्लर नहीं हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो इसको हम लोग, जो पिक्सल आर्ट है इज ऑल्सो कॉल्ड एज रास्टर इमेज एंड वेक्टर जो है इसको हम लोग और भी बहुत सारे नाम से बोलते हैं, मैं आपको आगे वन बाय वन बताते जाऊंगा। सो वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स, या वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज को हम लोग पिक्सल आर्ट भी बोलेंगे एंड वेक्टर को वेक्टर ही बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वेक्टर ग्राफिक्स आर मैथमेटिकल इक्वेशंस टू ड्रॉ आउट आर डिजाइंस, दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस ट्रांसलेट इन टू पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड आइदर बाई लाइन्स और कर्व्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक शेप ड्रॉ करने के लिए वी हैव दिस टू सर्कल्स, दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, देन यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, देन ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन है, देन दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, एंड यहाँ पे ये फिफ्थ लाइन है। सो दिस वे वी हैव डिफरेंट लाइन्स, या फिर हम लोगों को एक अलग पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सेम वे इसका हेड जो है ये पूरा बनाने के लिए वी यूज अनदर सर्कल, देन सेम वे यहां पे अगेन वी हैव दिस वन लाइन, यहां पे एक लाइन है, दिस इज अनदर लाइन। सो ऐसे बहुत सारे लाइंस, सर्कल्स और ऐसे अलग अलग ग्राफिक्स को यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बोला है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होंगे, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब एल्गोरिदम हम लोग लिखेंगे टू ड्रॉ आउट योर डिजाइंस, जैसा यहाँ पे कोई डिजाइन दिया हुआ है। नाउ ये मैथमेटिकल इक्वेशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू पॉइंट्स, बराबर है, एंड ये जो पॉइंट्स है वो आइदर, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट दिस लाइन वी हैव वन पॉइंट इज हियर, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन एंड हो रहा है, तो दो पॉइंट्स हम लोगों ने बना दिए। अब ये दो पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। आपने वो पूरा कभी कभी वो न्यूज़पेपर्स में वो ड्राइंग्स डॉट्स कनेक्ट करके हम लोग जो ड्राइंग्स बनाते हैं वैसा कोई टाइम पास किया रहेगा। सो वो सेम चीज़ होता है, वी हैव अ पॉइंट्स, और वो जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स को आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको इमेज मिलेगा। सो यहाँ पे भी वही है, दिस आर द टू पॉइंट्स, इसको कनेक्ट करेंगे एक लाइन बनेगा, और उसके लिए इन सी एंड सी प्लस प्लस वी हैव ग्राफिक्स पैकेज, वो पैकेज को आपको इनहेरिट करना है। जैसे आप सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं, सो वी राइट इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, वैसे ही ग्राफिक्स डॉट एच, ये हेडर फाइल कॉल करो, और उसके अंदर आपको डायरेक्ट लाइन फंक्शन दिया हुआ है, और वो जो लाइन फंक्शन है इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मैं वैल्यू डाल दूंगा, एंडिंग पॉइंट का इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, एंड दैट लाइन फंक्शन ओनली विल हेल्प मी टू कनेक्ट दिस लाइन। अब जब आप अगर ग्राफिक्स देखते हो या आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा रहेगा, सो वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल जो होता है दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अगर कोई एक पॉइंट बताना है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट, सो ये पॉइंट जो अगर मुझे बताना है तो इसका एक्स और वाई वैल्यू रहेगा, लाइक आई से 2.2, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट 2.2। सो फर्स्ट टू जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सेकेंड टू जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई एक्सिस। सो जो आप लाइन फंक्शन प्रोवाइड करेंगे वहां पे भी आप वही वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लाइन फंक्शन में आप क्या करेंगे, दिस इज माई पॉइंट, सपोज आई से दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे आगे समझेगा जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो, और ये सिर्फ मैं आपको बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट का इन्फॉर्मेशन देंगे, सेकंड पॉइंट का इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे
कि चलो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, देन ये एंड पॉइंट जो है इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज x2 और y2, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं बोलूंगा x1 y1। तो मैं वहां पे लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या दूंगा, चार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और बाकी का काम वो खुद से कर लेगा। दूसरी चीज कि जब अगर हम लोग ऐसे वेक्टर इमेजेस का यूज करते हैं ना, तो वेक्टर इमेजेस अगर आप देखेंगे सो वो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वेक्टर ग्राफिक्स टू बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट सेक्रीफाइसिंग इमेज क्वालिटी, मतलब आपका इमेज जो है वो पिक्सेलेट नहीं होगा, फटेगा नहीं, और उसके साथ में आपका फाइल का साइज भी जो रहता है वो इतना कोई बड़ा नहीं रहता है, छोटे छोटे फाइल साइज रहता है, बराबर है। और वो आपके फाइल फॉर्मेट कौन से रहते हैं, SVG है, ODG है, EPS है, XML डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे आपके फाइल टाइप्स होते हैं इसमें। सो कहीं कहीं पे कोई कोई जो है वो हम लोग इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स पे यूज़ करते हैं, देन लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आप देखो कि कंपनी के जो लोगो रहता है वो एक छोटे से विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी मिलेगा, और कहीं पे एक बड़ा सा बैनर अगर उन्होंने लगाया फॉर एडवर्टाइजमेंट तो वहां पे भी वो सेम लोगो इमेज यूज होता है जिसमें से बड़ा बैनर हम लोगों ने प्रिंट किया। अब अगर वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर इमेजेस नहीं रहेंगे सो यू कैन जस्ट इमेजिन विजिटिंग कार्ड के लिए अगर आपको अलग इमेज रिक्वायर्ड रहेगा, और जो बैनर वाला जो इमेज है वो तो कभी आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि बैनर्स अगर इतने बड़े लगते हैं और उसके ऊपर आपके कंपनी के आइकन या लोगो या इमेजेस जो है वो कितने बड़े होंगे, सो एक लिमिट के बाद में अगर आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स नहीं है तो एक लिमिट के बाद में वो सारे जो ग्राफिक्स है या वो सारे इमेजेस जो है वो सारे फट जाएंगे। और अगर ऐसा अगर होने लगा तो एक लिमिट के बाद में आप देखो कि आपके जो जो आपके सारे व्हाट वी से आपके जो जो इमेजेस है वो कभी भी कभी क्लियर दिखेंगे ही नहीं, तो हम लोग कभी इतने बड़े बैनर्स यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप जो उस पर कैरेक्टर्स जो लिखते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने वही वे में इमेज ही बनाया रहता है, और वही कैरेक्टर का इमेज जो रहता है ऐसे फॉर्मेट में सेव करते हैं, SVG फॉर्मेट में सेव करके हम लोग सेंड करते हैं, तब जाके आपको वो सेम फॉन्ट्स या वो सेम टेक्स्ट को आप बड़े बैनर में प्रिंट कर सकते हो। 3D इमेज भी अगर चाहिए तो भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें आपको बोला गया है, देखो वेक्टर स्कैन सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब सबसे पहले ये CPU नहीं है, कप नहीं है, ये CPU है। आपके पास यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ कोड है, असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने सबने पढ़ा है, तो आपको ये असेंबली लैंग्वेज क्या है ये सबको पता रहेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन या ये जो कोड है दिस इज द इंस्ट्रक्शन कि कहाँ से लाइन चालू होगा, कहाँ पे हम लोग कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे, कहाँ पे लाइन खत्म होगा, कहाँ पे सर्कल आएगा, कहाँ पे क्या मूव होगा, वो सब हम लोगों ने बताया। ये सब हम लोग किस में डालेंगे, डिस्प्ले बफर में। डिस्प्ले बफर मतलब, बफर का मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज। अब कौन से टाइप का बफर है, डिस्प्ले बफर मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है उसको टेम्पररी स्टोर करके रखो, और जब स्क्रीन फ्री हो जाए या जब स्क्रीन डिमांड करे तो ये बफर से उठा के डेटा उनको प्रोवाइड कर दो। अब फंक्शन होता कैसे, मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, बराबर है। सपोज कीबोर्ड है, मैंने कमांड दिया कुछ, तो ये कमांड जो है वो डिस्प्ले कंट्रोलर के पास से, जैसे मैंने सपोज कोई एक इमेज ओपन करने का कमांड दिया, अब हम लोग इमेज ओपन करने का कमांड जो है या फिर कोई एक फाइल क्रिएट करने का कमांड मैंने दिया, सपोज मैंने एक JPG इमेज क्रिएट करने का कमांड लिखा कीबोर्ड से, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे। सो ये जो है ये इनपुट आउटपुट पोर्ट के पास से CPU पे गया, उसने क्या किया, प्रोसेस किया, और वो जो भी C++ लैंग्वेज में लिखे हुए कमांड्स है उसको वो स्पेसिफिक कमांड्स को उसने प्रोसेस किया। टेम्पररी इंस्ट्रक्शन सारे डिस्प्ले बफर में रहेंगे, CRT और कुछ काम कर रहा है तो जैसे CRT फ्री होगा डिस्प्ले बफर से डेटा उठ के कहाँ पे जाएगा, CRT पे चले जाएगा। और ये जो इनपुट है ये आप कीबोर्ड और माउस दोनों से दे सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको डेटा या इनपुट जो है वो कीबोर्ड से ही देना पड़ेगा। अगर मुझे मूवी प्ले करना है, मैं कोई मूवी आइकन पे जाके मूवी के फोल्डर पे वो मूवी पे जाके डबल क्लिक करूंगा, राइट। इमेज ओपन करना है तो भी मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा। सो ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। सो यहाँ से कीबोर्ड से कुछ हम लोगों ने डेटा दिया, ये डिस्प्ले बफर में गया, यहाँ से यहाँ पे वो टेम्पररी स्टोर रहेगा, देन यहाँ से वो इंटरेक्शन इनपुट आउटपुट पोर्ट से ऊपर जाएगा, CPU में प्रोसेस होगा, देन यहाँ से वो डिस्प्ले कमांड के थ्रू CRT पे जाएगा, और CRT अगर बिजी है तो टेम्पररी हम लोग ये बफर में ही उसको स्टोर रखेंगे। दिस इज द सिंपल वेक्टर स्कैन सिस्टम इसको बोलते हैं।
Now raster images are also called as you can see, these are called as bitmap images. ठीक है, ये सारे नाम याद रखने, अलग अलग हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. Raster images are also called as bitmap images. यहाँ पे raster का भी सेम वे में आपको पता चलेगा. अब raster image जो है ना, वो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, raster image हम लोगों ने कैसे बनाया, पिक्सल टू पिक्सल कनेक्ट करके बनाया. उसका सेम बेसिक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सपोज दिस पेज, अगर मुझे टी ड्रॉ करना है, तो टी ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कीबोर्ड या माउस से मैंने सपोज कमांड दिया, बराबर है. देखो यहाँ कीबोर्ड माउस से कमांड गया, मेरा कीबोर्ड या माउस किसी से भी जाएगा. अब डिस्प्ले कंट्रोलर जो है उसने क्या किया, ये कमांड जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू सीपीयू पे गया, सीपीयू ने वो कमांड प्रोसेस करके उसको यहाँ पे भेज दिया, बराबर है. कहाँ पे भेजा, रिफ्रेश बफर के पास. अब रिफ्रेश बफर क्या करेगा, जो आपके रास्टर इमेजेस जो है ना, वो इमेजेस में क्या आपको शेप ड्रॉ करने बोला है, सपोज टी ड्रॉ करने बोला है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी पिक्सल्स है ना, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, मतलब वाइट कलर होता है सपोज, या ब्लैक कलर होता है, जो भी है. यहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर अज्यूम कर रहे हैं. सो यहाँ पे सारे पिक्सल्स जो है वो जीरो है, और जो टी आपको ड्रॉ करना है ना, उसी वही से स्पेसिफिक पिक्सल्स, जो पिक्सल्स को जो पिक्सल्स का वैल्यू चेंज करके स्क्रीन पे टी होगा, बस उसी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वन किया है. और ये इंफॉर्मेशन, कौन से स्पेसिफिक पिक्सल का वैल्यू चेंज किया, ये इंफॉर्मेशन वीडियो कंट्रोलर के थ्रू जाएगा सीआरटी के पास, और स्क्रीन पे टी ड्रॉ हो जाएगा. सो ये देखो, ये पिक्सल टू पिक्सल कनेक्ट करके हम लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ है यहाँ पे, और वो कंप्लीट पिक्सल यूज किए. ठीक है, कंप्लीट पिक्सल यूज करना और पार्शियल पिक्सल यूज करना क्या होता है, वो आगे हम लोग जब एल्गोरिदम्स देखेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट पिक्सल यूज किया है. सो उससे क्या होता है कि जब आप ये इमेजेस को जब बड़ा करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो इमेज पिक्सलेट हो रहा है लाइक दिस. देन ये उसका डिफरेंस दिया हुआ है. आपके रास्टर ग्राफिक्स कौन से रहते हैं, बिटमैप इमेजेस, जिफ इमेजेस, पीएनजी इमेजेस, जेपीजी, जिसको आप एक लिमिट से ज्यादा स्केल नहीं कर सकते. एक लिमिट से ज्यादा स्केल करने पे उनका क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगा. एसवीजी, ईपीएस, एक्सएमएल, ये जो आपके वेक्टर इमेजेस है जो स्केलेबल होते हैं, मतलब एक लिमिट से ज्यादा आप स्केल भी करेंगे तो भी वो ज्यादा हार्म नहीं करेंगे, आप उसके साथ इजीली वर्क कर सकते हैं. ये सबसे बेसिक पार्ट है. एग्जाम में जब थियरी में अगर ये क्वेश्चन आएगा, तो वो टाइम पे आपको ये नहीं लिखना है, यू सपोज टू राइट दिस टेबल. 5 मार्क के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रास्टर स्कैन सिस्टम एंड वेक्टर स्कैन. अब नाउ वेक्टर स्कैन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम स्कैन. देखो नाम याद रखो, आगे हम लोग कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेक्टर स्कैन, आई विल आस्क कि रैंडम स्कैन का मतलब क्या होता है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक बीम्स. अब ये जो है ना, ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार आगे सीआरटी मॉनिटर्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा. इन शॉर्ट, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो आप जब कभी स्क्रीन पे अगर कुछ डिस्प्ले करने की ट्राई करते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जो और होता है वो स्क्रीन पे आता है. एक पिक्चर देखते हैं हम लोग. ओके, सो एज यू, ये हम लोग के पास एक इमेज है, ये आपके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम आता है. मतलब ये समझ लो कि जैसे हम लोग के पास लेजर लाइट कैसे होता है, वैसे ये एक लेजर लाइट है, और ये लेजर बीम या लेजर लाइट जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होता है. ठीक, ये डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होगा, और वो जैसे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होगा वैसा कुछ आउटपुट आपको दिखेगा, ये होता है. सो ये वीडियो कैमरा बोलो या टीवी बोलो, उसमें यही कंसेप्ट फॉलो होता है. ये पूरा सर्किट नहीं देखना है, जस्ट रिमेंबर कि वी हैव सम लेजर, वी हैव सम इलेक्ट्रॉनिक बीम्स हियर. ठीक है, सारे थोड़े बड़े ही डायग्राम्स दिए, कॉम्प्लेक्स डायग्राम ही दिए, बट आगे हम लोगों के इसमें भी है. सो वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस वे कि आपके पास यहाँ पे, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो ट्रांसफर होगा, और फिर वो बहुत सारे प्रोसेस से होके डायरेक्टली वो स्क्रीन पे हिट करेगा, और वो जहाँ पे हिट करेगा वहाँ पे आपका फाइनल जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक बीम. सो इलेक्ट्रॉनिक बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन ऑन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे स्कैन होते जाएगा, जैसे आप देखो कि वो स्कैनर जो होता है, प्रिंटर
पेज कैसे प्रिंट करता है, धीरे 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 वैसा स्कैन होते जाएगा। वेक्टर स्कैन या रैंडम स्कैन में क्या होगा, ये जो बीम है वो डायरेक्टली स्क्रीन के वही पार्ट पे हिट करेगा जहाँ पे कोई एक पिक्चर ड्रॉ करना है, अननेसेसरीली पूरा पूरा जो स्क्रीन है उसको वो स्कैन नहीं करेगा। दैट इज द डिफरेंस, ये पूरा पूरा स्क्रीन स्कैन करेगा भले उसको यहाँ पे, ये देखो ऐसा हम लोगों ने डायग्राम देखा जिसमें उसको सिर्फ टी बनाना है, बट स्टिल ये पूरा स्क्रीन वो जो पूरा स्क्रीन जो है उसको वो ऐसा ऐसा स्कैन करेगा, ठीक है, जैसा वो प्रिंटर पेज प्रिंट करता है वैसे ही। और रास्टर रास्टर या वेक्टर सॉरी रैंडम या वेक्टर स्कैन में क्या होता है, डायरेक्टली वो स्क्रीन के वही पार्ट में हिट करेगा जहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले करना है। रिजोल्यूशन एज वी नो रिजोल्यूशन इसका बहुत पुअर है, इसका बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, जिगजैग लाइंस जो होते हैं दे आर प्लॉटेड एज अ डिस्क्रीट पॉइंट्स, और यहाँ पे सीआरटी पे डायरेक्टली बीम जो है वो डायरेक्ट होता है जो एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर आपको कुछ ड्रॉ करना है। पिक्चर डेफिनेशन, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज सेट ऑफ इंटेंसिव वैल्यूज फॉर ऑल स्क्रीन पॉइंट्स, कि ओके स्क्रीन का ये पिक्सल का वैल्यू ये हो जाएगा, ये पिक्सल का वैल्यू ये हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या होता है, और ये सब किस में स्टोर होता है, रिफ्रेश बफर में। जब अगर हम लोग रैंडम स्कैन की बात करते हैं या वेक्टर वाला जो इमेज है उसकी बात करते हैं जिसपे एक रिजोल्यूशन काफ़ी हाई रहता है, पिक्चर डेफिनेशन जो है इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ लाइंस ड्राइंग इंस्ट्रक्शन, कि मैंने बोल दिया कि ओके चलो एक स्क्वायर अगर ड्रॉ करना है सो मैं डायरेक्ट एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ या चार लाइन कनेक्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो कैसे कर रहा हूँ, तो वो लाइन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और वो जो हम लोगों का सी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ ये लाइन इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं वो डायरेक्टली हम लोग आगे पास ऑन करते हैं, और उसी के हिसाब से वो प्रोग्राम्स को एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करके फाइनल आपका आउटपुट मिल जाता है। रियलिस्टिक डिस्प्ले, यहाँ पे अगर आप देखेंगे द कैपेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम टू स्टोर इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पिक्सल मेक्स इट वेल सूटेड फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ द स्कैन लाइक शेडो कलर पैटर्न इजिली आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे जब अगर आप देखेंगे कांट डिस्प्ले द रियलिस्टिक शेडेड स्कैन्स, ड्राइंग एन इमेज पॉइंट टू पॉइंट या पिक्सल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एल्गोरिदम्स मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होंगे। ये आप अगर आप देखेंगे दिस इज लेस एक्सपेंसिव कम्पेयर टू रैंडम या वेक्टर स्कैन, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगता है, इसमें कैलकुलेशंस कम रहते हैं, आपको जो प्रोसेसिंग के लिए जो कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स चाहिए वो भी थोड़े थोड़े चीप वाले रहते हैं, आपका मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर पे ये सेम काम हो सकता है। एनिमेशन या ऐसा कुछ करना है वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स पे नहीं होगा, हाई एंड कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड, सो दिस इज मोर कॉस्टलियर कंपेयर टू रास्टर स्कैन। लाइन ड्राइंग इस पर कैसे चलेगा, जिगजैग चलेगा जैसे मैंने बोला, और इस पर क्या होता है स्मूथ होता है, बराबर है। देन रिफ्रेश रेट क्या है, रिफ्रेश रेट मतलब आपने कभी एक दो स्कैन देखे रहेंगे जिसमें हम लोग एक बुक में बहुत सारे ड्राइंग्स रहते हैं और वो बुक के पेजेस को जब फटाफट हम लोग स्वैप करते हैं तो इट लुक्स लाइक कोई एक फुटबॉलर बॉल को हिट कर रहा है, कोई पेरेंट अपने बच्चे से मिल रहा है, कोई बच्चा अपने मम्मी से मिल रहा है, ऐसा दिखता है आपको, बराबर है। सो आप इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक मूविंग इफेक्ट या एक वीडियो कब क्रिएट हो रहा है, जब आप ये जो रास्टर वाले जो इमेजेस जो है रास्टर वाले इमेजेस को पर सेकेंड 60 to 80 इमेजेस जब आप स्वैप करेंगे तो आपको वीडियो इफेक्ट मिलेगा। और उसी के सामने जो हम लोगों का वेक्टर स्कैन है उसका रिफ्रेश रेट क्या है, 30 to 60 इमेजेस या फ्रेम्स पर सेकेंड। आपने जिफ इमेजेस देखे रहेंगे, जिफ इमेजेस कैसे वर्कआउट करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक जिफ इमेज ऑफ थैंक यू सपोज, सो यहाँ पे देखो अगर ये जिफ इमेज कोई तो अगर मैं ओपन करता हूँ सो इसमें आपको या दिस वन, सो ये देखो ये जो डिजाइन जो ड्रॉ हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे अलग अलग कम से कम 5 से 6 इमेजेस जो है वो कंबाइन होता है, ठीक है, तब जाके एक इमेज जो है वो कंप्लीट होता है। आप ऑनलाइन ऐसे जिफ इमेज क्रिएट भी कर सकते हो, लाइक आई कैन से गूगल पे ऑनलाइन जिफ मेकर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक दो इमेजेस जो है वो सिलेक्ट किए, देखो यहाँ पे जेपीजी पीएनजी अलग अलग फाइल्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक दो फाइल सिलेक्ट किए, ठीक है, कोई भी रैंडम इमेजेस मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कोई तो इमेजेस है,
ओके सो वी हैव फ्यू इमेजेस. अब इसको मैं बोल रहा हूँ अपलोड एंड मेक अ जिफ इमेज आउट ऑफ दिस. अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो ये इमेजेस जो स्वैप होंगे, वीडियो टाइप इफेक्ट जो मुझे दिखेगा, तो उसमें ये मुझे क्या बोल रहा है कि आपको जिफ इमेज में टाइम डिले जो चाहिए वो कितने टाइम का चाहिए, लाइक 1/4 सेकेंड का चाहिए, 1 सेकेंड का चाहिए, 2 सेकेंड का चाहिए. अगर मैं ये टाइम अगर रखूँगा ना, और अगर मैं मेक GIF लिखूँगा, सो ये देखो ये आपको दिख रहा है ये इमेजेस कितने क्विकली चेंज हो रहे हैं, है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा उसको वापस होल्ड होने के लिए या देखने के लिए. तो अब मैं यहाँ पे इसको डिले करता हूँ, सपोज इसको मैंने 2 कर दिया, और उसके बाद अगर मैं मेक GIF करूँगा, सो ये देखो ये बहुत क्विकली मूव हो रहा है, दिख रहा है आपको. सो बेसिकली हम लोग ऐसे बहुत सारे इमेजेस को कंबाइन करते हैं, और वो इमेजेस को हम लोग कोई तो एक टाइम पे 10 करता हूँ इसको. तो देखो 10 करूंगा तो ये आपको मूविंग टाइप थोड़ा दिखेगा. अगर मैं सीक्वेंस में सारे इमेज रखूंगा ना, तो आपको यहाँ पे कुछ मूविंग इफेक्ट मिलेगा. अब अगर मैं इसको थोड़ा और डिले कर देता हूँ, सपोज मैं 200 करता हूँ, मतलब 2 सेकेंड्स पे जाएगा ये. तो देखो अभी आराम से आपको धीरे 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 कुछ चेंज होते हुए चीजें दिखेंगे, गेटिंग. सो ये जो है ना, दिस आर द फ्रेम्स. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 इमेजेस सिलेक्ट किए, ये फ्रेम है. ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आपको एक मूविंग इफेक्ट अगर देना है में, आप अगर रास्टर इमेज अगर यूज कर रहे हो ना, तो 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड स्वैप होंगे आपके, तब जाके आपको एक वीडियो इफेक्ट दिखेगा. जैसे जिफ इमेज में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो इफेक्ट होता है. और अगर मैं वेक्टर वेक्टर वाले इमेजेस अगर यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे आपका 30-60 फ्रेम्स पर सेकेंड स्वैप होंगे. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इट. इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो 3D ग्राफिक्स वाला है. ओके एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया, दिस इज द मेन चैनल. यहाँ पे मैं सारे लेक्चर्स अपडेट करता हूँ. सो मेरे प्रीवियसली जो SY के कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑलरेडी जो लेक्चर्स हुए वो भी यहाँ पे अपलोडेड है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी अपलोडेड है, TY के, FY के, सारे वहाँ पे. सो आप वहाँ से चाहिए तो रेफर कर सकते हो. और हम लोगों के भी अगर कॉलेज के लेक्चर्स होंगे फॉर अ रिविजन पर्पज, यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज फ्रॉम देयर. आज का ये हम लोगों का सिर्फ फर्स्ट लेक्चर ही था, सिर्फ इंट्रोडक्टरी. सो आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. एनी डाउट आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स एनी वन? ओके ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. या